नमस्कार, कार्यक्रम हेल्थ वाणी द कंप्लीट वेलनेस शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डेजी। दर्शकों, कंप्लीट शब्द इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने शरीर के हर अंग को आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि शरीर में हर अंग एक खूबसूरती का हिस्सा होता है। दर्शकों, आज अपने कार्यक्रम में बात करेंगे बालों को लेकर, क्योंकि बात करें खूबसूरती की और बालों का जिक्र ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाल खूबसूरती में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। दर्शकों, बाल को स्वस्थ रखने के लिए, उसे खूबसूरत रखने के लिए हम बहुत तरीके से प्रयत्न करते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल ब्रांड भी यूज़ करते हैं ताकि हमारे बाल लंबे, काले, घने रहें और हम खूबसूरत लगे। लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी हमारे बाल अच्छे नहीं रह सकते। क्या आयुर्वेद ऐसा कर सकता है कि हमारे बाल खूबसूरत और लंबे लगें? जानेंगे देश विदेश के जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा कि बाल एक खूबसूरती में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं ही नहीं पुरुष के लिए भी बाल का लंबा होना, घना होना, कई बार फैशन के तौर पे भी लंबे बाल वो लोग रखते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी बाल जो है अच्छे नहीं हो पाते। क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है जिसके माध्यम से? सबसे पहली चीज तो ये है कि बाल खूबसूरती की एक बहुत बड़ी चीज है जी। बिना बालों के हमारा चेहरा जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप कभी भी देखिए, कभी किसी कोई गंजा आदमी हो जिसके बाल ना हो तो आप दूर से ही कहेंगे कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और चेहरे पे भी वो खूबसूरती नहीं आती। प्राचीन काल में या अभी कुछ दिन पहले तक, आज भी हमारे घर की महिलाएं, हमारी माताएं, आप लोग खुद जी, क्या करते थे कि कढ़ाई लेते थे और उस कढ़ाई में आंवला, रीठा, शिकाकाई डाल दिया और डालने के बाद उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसको जो है छान लिया और उसका जो सत्व निकाला उससे हम लोग बालों को धोते थे। ये हमारे प्राचीन काल में भी चलता था और आज भी जो ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं वो इसका प्रयोग करती हैं जी। और प्रयोग इसलिए करती हैं कि बालों को लंबा करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। और उन बालों को देखकर इतने इतने लंबे बाल होते थे कि जिसका आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैंने तो एक जगह, अभी कुछ ही दिन, 5-6 साल 10 साल पहले की बात होगी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि बालों की प्रतियोगिता हुई और उस प्रतियोगिता में लंबे लंबे बालों की प्रतियोगिता देखकर लोगों को प्राइज़ दिए गए और जिन महिलाओं के जितने लंबे लंबे बाल थे उनको उसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिए गए। तो पहले तो बालों का इतना ज़्यादा महत्व था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ विकृतियाँ आना शुरू हो गईं। अब विकृतियाँ इस दृष्टि से कि बालों में डैंड्रफ हो गया, ठीक ही नहीं, इधर उधर की केमिकल की चीज़ों का हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया, साथ में जो इंटरनेशनल ब्रांड के नाम से हम लोग यूज करते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, जितनी चीज़ें हम यूज करते हैं, मुझे तो बहुत से नाम भी पता नहीं, तो उन चीज़ों का प्रयोग करने से बालों में टूटना शुरू हो गया। बालों में जो एक चमक थी वो चमक भी ख़त्म हो गई। कुछ देर के लिए तो चमक आ गई, लेकिन बाद में वो चमक धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होती चली गई और टूटना शुरू हो गया, डैंड्रफ ही हो गए बालों में। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की समस्याएं बालों में उत्पन्न हो गई और जिससे कि हम ये देख रहे हैं कि अब आने वाली जो पीढ़ी है वो बालों को उतना महत्व तो देना चाहती है, लेकिन बाल कम होने की वजह से वो बीच में से कटिंग करा देती जी। आजकल सुना भी जाता है ऐसे कि बाल क्यों कटवा दिए, बाल बढ़ ही नहीं रहे, बढ़ी नहीं तो रहे, क्या करें? तो यही समस्या आई थी। इन सब की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से ओनेला आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस किया है हम अपने समाज के लिए, अपनी पब्लिक के लिए। और ओनेला आयुर्वेद के माध्यम से हम इस बात को लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि जो आपकी बालों की समस्याएं हैं, जो खूबसूरती का एक बहुत बड़ा अंग है, उसको हम किस तरीके से ठीक से रख सकते हैं। अगर हम उन बालों को ठीक से रखना चाहते हैं तो हम आयुर्वेद का प्रयोग करें, आयुर्वेद की विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, उनको प्रयोग करने का ढंग हम जानें। और अगर आपको ये लगता है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं और जिन चीज़ों से आप बालों की सुरक्षा कर सकते हैं, खूबसूरती दे सकते हैं, बालों को बढ़ा सकते हैं, तो ओनेला आयुर्वेद आपके लिए वो चीज़, हर चीज़ उपलब्ध कराने को तैयार है। तो इसीलिए आज हम बालों की समस्याओं के बीच में बैठे हुए हैं और हमें आयुर्वेद के माध्यम से बालों को हम कितना अच्छा कर सकते हैं इसके लिए हम
प्रयास कर सकते। बिल्कुल सर, जैसे आपने अनिला का नाम लिया है तो मैं जरूर जानना चाहूंगी, मेरे साथ साथ तमाम दर्शक हैं जो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बाल तो सभी चाहते हैं बहुत अच्छे हो, तो अनिला में ऐसी कौन कौन सी आयुर्वेदिक आपने चीजें मिलाई हैं जिसके माध्यम से हमारे बालों की जो खूबसूरती है, जो आपने कहा कि पुराने जमाने में बहुत हमें आसानी से प्राप्त हो जाती थी, वो हमें अब भी प्राप्त हो सके? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, अनिला आयुर्वेद कोई नया ऐसा कोई नाम नहीं है, अब बहुत पुराना नाम हो चुका है और 125 वर्ष पहले से हम लोग आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से लोगों को स्वस्थ करते चले आ रहे हैं हर विषय में, बाल हो, और भी बहुत सी समस्याएं हैं, आज तो हम बालों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको हम प्राचीन काल से, जब से इस आयुर्वेद का जन्म तो आज से सृष्टि के आदिकाल से पहले ही हो चुका था, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने आयुर्वेद को छोड़कर विभिन्न प्रकार के और चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी, लेकिन अनिला आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों ने बहुत प्राचीन काल से, लगभग 125 वर्ष से भी पहले से इस पद्धति को हमने अपनाया, और अपनाने के बाद उनकी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की, उससे औषधियाँ बनाई, और वो औषधियाँ जो शास्त्रीय योग हैं, ऐसा नहीं हम उन औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं कि जो कि आज आ गई और वहाँ से, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि अच्छी औषधियाँ जो शास्त्रीय औषधियाँ हैं उनको हम लोग इकट्ठा करें और उनका कम्बिनेशन किस प्रकार से लोगों के लिए दे सकते हैं, इसका हम प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। अलग, जैसा कि आपने अभी बताया कि बहुत पुराने ज़माने से आयुर्वेद चला रहा, आज भी अगर देखा जाए जो हमारे कई सारे दर्शक हैं एलोपैथी की किसी प्रकार की दवाइयाँ ले लेके थक जाते हैं तो उनका लास्ट ऑप्शन आयुर्वेद ही बचता है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जब आना आपको आयुर्वेद पे ही है तो आप इतने फिजूल के पैसे क्यों खर्च करते हैं। दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि यदि आप भी आयुर्वेद के माध्यम से अनिला आयुर्वेद को अपना कर अपने बालों की खूबसूरती को वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर, जैसे कि आपको कौन नहीं जानता, क्योंकि आप 15 वर्षों से लगातार इंडियन और इंटरनेशनल की बात करें रिसर्च करते आ रहे हैं आयुर्वेद के ऊपर, इसीलिए शायद हमारे कई सारे दर्शक ने आपके माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करना चाहा है और हमारे पास अपने मेल्स भेजे हैं, तो मैं एकाक मेल्स अपने कार्यक्रम को लेना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप उनकी समस्याओं को दूर करें। सर, ये पहला मेल भेजा है राहुल ने और ये 18 वर्ष की हैं और ये कानपुर से हैं। इनका कहना है कि इनके जो बाल हैं वो बहुत सफ़ेद होते जा रहे हैं और झड़ते भी जा रहे हैं, क्या इनकी समस्या सॉल्व हो सकती है? राहुल जी, आयुर्वेद में जो समस्या का समाधान आपके बालों में का बालों के लिए है वो बहुत आसान है और आपके घर में वो चीज़ मौजूद है, आप उन चीज़ों का प्रयोग करके स्वतः ही अपने बालों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, आप अपने घर में जाइए तो आपको शिकाकाई मिलेगी, आंवला मिलेगा, इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद एक पेस्ट बना लीजिए, उस पेस्ट को आप बालों पे लगाइए, 15 मिनट आधे घंटे तक बालों पे लगा लेने दीजिए और जब बाल बिल्कुल उस पेस्ट से सूख जाएं तो उसको गुनगुने पानी से आप धो लीजिए। एक काम और भी कर सकते हैं आप, आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन सब चीज़ों को आप कढ़ाई लीजिए, लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें बॉयल कर लीजिए और बॉयल करने के बाद उसका जो सत्व है वो निकाल के उसको पेस्ट बना लीजिए उसका, और उसमें थोड़ा सा अगर चाहें तो चंदन पाउडर भी मिला सकते हैं, उनको मिला के पेस्ट बनाइए, पूरे बालों पे उसको लगाइए और लगाने के बाद 15 मिनट तक उसको ऐसे ही सूखा छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद गुनगुने पानी से उसको धो लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि आपके बाल चमकदार भी हो जाएंगे, आपको जो सफ़ेदीपन लग रहा है वो सफ़ेदीपन भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है, बालों में जब तक न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तब तक उसकी वाइटनेस कम नहीं होगी, तो हम ये चाहेंगे कि आप न्यूट्रिशन साथ में प्रॉपर तरीके से लें, इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो हम आपके साथ हैं, अनिला आयुर्वेद हर समय आपके साथ है, आपको हम विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करके आपके पास तक पहुँचवा भी सकते हैं। सर, आगे बढ़ेंगे और करिश्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ। हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी, पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, मेरे बाल बढ़ तो रहे हैं बट साथ ही साथ मेरे बाल आगे की ओर मतलब उड़ते जा रहे हैं, मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा दिक्कत क्या हो रही है, काफी जगहों पे देखा, टेस्ट भी करवाया पर कुछ अभी तक उसका उपाय नहीं समझ में आ पा रहा, वो बता दीजिए आप। देखिए करिश्मा जी, आपके बाल जो आगे के लिए उड़ रहे हैं उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आपके बालों को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, नंबर 1। आप बालों को उचित न्यूट्रिशन देने की कोशिश करें,
और न्यूट्रिशन मिलेगा आपको प्रोटीन से, प्रॉपर तरीके से आप प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, अगर आप चाहती हैं फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और फ्रूट्स में सबसे बढ़िया फ्रूट्स जो हैं वो है एप्पल, सेब, सेब का आप प्रयोग करिए, सेब को पीस के रख लीजिए और सेब को भी आप बालों में लगा सकती हैं। इसके साथ जो टूटने की समस्या आपको आ रही है उसका दूसरा कारण है कि आपके बालों में न्यूट्रिशन के साथ साथ जो है जो आप केमिकल चीज़ों का प्रयोग करती हैं उसको बंद कर दीजिए बिल्कुल। किसी भी तरीके का बाहर का केमिकल युक्त शैम्पू या और भी चीज़ें जो आती हैं उनको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी आपके बाल स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको समस्या आती है, स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे हैं, आप डायरेक्ट हमसे नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं और हम आपको उसका समाधान भी बता देंगे, और समाधान के साथ साथ हम आपको उसका जो समाधान के लिए हम आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आपको भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे। आकांक्षा जी जुड़ी हमारे साथ। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आकांक्षा जी, पूछे क्या जानना चाहती हैं आप? जी मेरे बाल शैम्पू करते टाइम बहुत झड़ते हैं, कभी कभी तो ऑयल डालते टाइम तो बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, तो इसके लिए कोई घरेलू उपाय बता दीजिए। आप जो है ग्वार पाठा आता है या ग्वार पाठे का शैम्पू आप बना के लें, या शिकाकाई और आंवला रीठा इनका मिला के अगर आप शैम्पू लेती हैं, लेकिन वो नेचुरल वे में होना चाहिए। अगर नेचुरल वे में आप ले रही हैं वो शैम्पू को तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि आप ये केमिकल की चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर दें, साथ में प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, और मैंने अभी आपको सेब बताया, सेब के साथ आप संतरे का भी प्रयोग कर सकती हैं। बिल्कुल नेचुरल चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो आपके घर में उपयुक्त है, आपके घर में रखी हुई हैं, उन चीज़ों का प्रयोग हम लोग जानते नहीं किस तरीके से होता है। आप वो लीजिए संतरा, और संतरे के संतरा जो अंदर का होता है उसके गूदे को आप पीस लीजिए अच्छी तरीके से, और पीस के उसमें थोड़ा सा आंवला थोड़ा सा शिकाकाई आप मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और जिस जगह के बाल आपके उड़ रहे हैं उस जगह आप लेप लगाना शुरू कर दीजिए। आप ये देखिए कि कुछ ही दिनों में आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और बाल आपके खूबसूरत भी होने लगेंगे। सर आपकी बातें सुन के कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि खान पान का असर भी हमारे बालों पे बहुत पड़ते हैं। खान पान का न्यूट्रिशन का तो बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हम लोग जो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं आजकल, और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनको हम लोगों को खाना भी नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि आजकल सोसाइटी इस तरीके की है कि हर आदमी ये चाहता है कि मुझे फास्ट फूड मिले जी, तली हुई चीज़ें, बिना कोई रह ही नहीं पाता। बिल्कुल, तो बाल भी हमारे शरीर के अंग हैं। जैसे आप पेट के लिए परहेज कर सकते हैं, जैसे आप दांतों के लिए परहेज कर सकते हैं, अपने चेहरे के लिए परहेज कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए आपको ये लगता है कि मुझे अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये चीज़ें हम दूर, इन चीज़ों से हम दूर रहें, तो बालों के लिए भी आपको उसी तरीके से प्रॉपर उन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा जो चीज़ें बालों के लिए हानिकारक हैं। ये भी चीज़ें बालों के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि इससे प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है। मैंने जैसे बताया आपको कि अगर प्रोटीन आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे तो आप बाल आपके बहुत खूबसूरत हो जाएंगे नेचुरल वे में। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट बॉडी को बढ़ाता है, आयरन बेस्ट चीज़ है जो शरीर को भी स्फूर्ति प्रदान करता है, बालों को भी स्फूर्ति प्रदान करता है। अगर बालों के लिए आप प्रॉपर तरीके से आयरन लेने लगें तो आप ये देखेगा कि बाल आपके टूटना बंद हो जाएंगे, टूटने के साथ साथ जो है बालों में खूबसूरती भी आ जाएगी, और कभी कभी ये भी देखा है दो मुंहे बाल हो जाते हैं। बिल्कुल, शायद इसी वजह से लोग कटवाते भी हैं बाल कि बाल हमारे अच्छे आएंगे। तो वो दो मुंहे बाल जो होने का कारण है वो भी न्यूट्रिशन की कमी का कारण है। कुछ इन्फेक्शन हो जाता है बालों में, इन्फेक्शन इसलिए होता है कि हम लोग डिफरेंट तरीके की चीजें लगा रहे हैं। सर इसी के साथ हमें अपने कार्यक्रम को यही विराम देना होगा, लेकिन दर्शकों मैं आपसे यही बताना चाहूंगी, यदि आप आयुर्वेद के माध्यम से अपनी तमाम समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब से जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस एट ऑनेला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, B1927 सिल्वर सिटी, सेक्टर 93A, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और फोन नंबर इज 09910060806 और ईमेल आईडी इज info@onelawellness.com। विजिट अस एट www.onelawellness.com।